सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे कायामारी वाटरफॉल्स, जो कि है कांकेर में। और व्लॉग इतने दिन से इसीलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा था। तो अभी से ये होप्स हो ये करते हैं कि मतलब व्लॉग कंटिन्यूस रहे। सो अभी चलते हैं। अभी जैसा कि आप देख सकते हो, मैं ड्रेस्ड अप हो चुका हूँ। अभी भैया लोग आएंगे, फिर अपन निकलेंगे। सो गाइस, अभी अपन निकल चुके हैं। ये है पखांजूर का न्यू मार्केट। सो यहाँ से कांकेर कुछ 150 किलोमीटर दूर है। सो हमें कांकेर जाना है, वहाँ थोड़ा मेरा लाइसेंस का काम है, उसके बाद अपन जाएंगे वाटरफॉल। वाटरफॉल वहाँ से केशकाल घाटी के ऊपर है, आई डोंट नो एग्जैक्टली कहाँ है, वहाँ जाके पता चलेगा कि कहाँ है वाटरफॉल। सो अभी चलते हैं और फ्यूल अप करते हैं, फिर निकलते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज धूप निकला है और आगे बादल भी है, तो बारिश तो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पूरा भीग जाएंगे अपन। अभी सही था तो पीछे हेलमेट भी नहीं पहने, वो तो पूरा ही भीग जाएंगे। और ये जो रास्ता है, ये देखो अभी क्या लगा है, धान लगा है, धान। तो गाइस, ये है कोटरी नदी। यहाँ से सब गांवों को, संगम वंगम सब एक जगह यहाँ से पानी जाता है। देखो गाइस कितना बड़ा नदी है। पहले ये वाला ब्रिज था तो इसके ऊपर से पानी जाना स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये वाला ब्रिज बना है। ये जो रास्ता इतना ख़राब है, गाड़ी का पूरे लग जाते हैं। तो गाइस अपन ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं यहाँ पे द्रोणकोंडल। ये देख सकते हैं आप उसका पहाड़ी। आगे से आपको एक क्लियर व्यू दूंगा। ये मंदिर है, इसका भी सोच रहा हूँ बहुत जल्दी ब्लॉग बनाने का, बट ऊपर चढ़ते चढ़ते तो जितने लोग मेरे दोस्त लोग हैं वो लोग बोलते हालत ख़राब हो जाता है। सो मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया। देखो पहाड़ी, ये वो सेंटर पे मंदिर है वहाँ पे, और ये हर जगह पहाड़ी पहाड़ी मंदिर है माता का, और वो वहाँ पे ये देखते हैं। और यहाँ पे ये पूरा माइंस है, यहाँ पूरा ट्रक लगे रहते हैं हमेशा, ये तो नहीं है। सो अभी हम यहाँ से लेफ्ट जाएंगे। ये पखांजूर से कुछ 60 किलोमीटर राउंड दूर है। अभी हमको यहाँ से लेफ्ट लेना है, लेफ्ट। ये रास्ता सीधे अंतागढ़ की तरफ जाता है। जनता को एक जिला बनाने की मांग चल रही है, पर पखांजूर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और धूप तो बढ़ते ही जा रहा है, थोड़ा धूप कम हो जाए तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। ये देखो नज़ारा। गाइस अपन पहुंच चुके हैं भानू। ये भानू का जो ब्रिज अभी कंस्ट्रक्ट हुआ है, इसकी वजह से भानू बहुत ही मतलब देखने में इनहेंस हो गया है इसका लुक। सो गाइस अभी अपन रुके थे नाश्ता करने यहाँ पे एक बार चेक कर लेना, बहुत ही अच्छा होटल है, डोसा अच्छा बनाता है। नाम क्या है, क्या पता क्या नाम है। अरे विश्वजीत और उत्तम ड्यूक में जा रहे हैं, मैं अभी इसको चलाऊँगा वन को। सो यहाँ से अपने को लेफ्ट जाना है, और आगे तो मौसम थोड़ा डेंजर है। पाजी क्या कर रहे हो, आगे मौसम थोड़ा डेंजर लग रहा है, होप सो बारिश ना हो। लेट्स गो। तो गाइस बारिश स्टार्ट हो गई है, हमारे लगने वाले अच्छे से, हमें ऐसा आभास हो रहा है। ये देखो स्कॉर्पियो वाले को सेंट्रो ओवरटेक कर रहा है। वेल डन, दूसरे का लोग पीछे हैं। प्लीज़ गॉड बारिश मत करवा दो यार, आज पूरा सीन बिगड़ जाएगा फिर, क्योंकि लाइसेंस के वहाँ पे एकदम भीगे भागे तो नहीं जा सकते। और फिर हमको क्या हमारी भी जाना है, देखो तो दूसरे जूता निकलेगा इस योग के मज़े ले रहे हैं, हम इसके मज़े ले रहे हैं। लेकिन आज तक मैं एक लिटरली बात बता रहा हूँ, R15 अनकम्फर्टेबल नहीं है अच्छे रोड पर। बुरे रोड पर भले ही हो, बट अच्छे रोड का R15 बहुत स्मूथ और बहुत मज़ा आता है उसको चलाने में। ड्यूक चलाने में उसका मज़ा नहीं आता जितना R15 में आएगा अच्छे रास्ते में। बहुत ही प्यारा मशीन है, आज पता चल रहा है। हम तो पूरा भीग गए, लेकिन हम तो लग रहा है
गाइज अपन ऑलमोस्ट कांकेर पहुंच चुके, मतलब कांकेर में एंटर कर चुके पीछे के रास्ते से, और इतना देर बारिश हो रहा था। ये देखो मेरा पूरा दिखा दूंगा आपको क्लिप में कि क्या हाल हुआ था अपना। बारिश हो रहा था अपन फिर भी चलाए। उत्तम भी और विश्वजीत दोनों सूख गए, मैं भी ऑलमोस्ट सूख गया हूँ, बट राइडिंग जैकेट की वजह से बीच बीच में थोड़ा है दिक्कत। सो गाइज कांकेर में हर जगह आपको खाली पहाड़ी पहाड़ मिलेंगे, पूरे इसमें क्या बोलते हैं उसको, पूरे डिस्ट्रिक्ट में आपको पहाड़ी पहाड़ मिलेंगे। ये एक्चुअल मेन कांकेर जो है ये है, अपन रहते हैं पखांजुर में, ये 150 किलोमीटर है वहाँ से। अपन निकले तो थे 10 बजे, बट बारिश बारिश के चक्कर में हम लोग को 12:30 बज गया पहुँचते पहुँचते। ये देखो कई सारी जगह पहाड़ी पहाड़। तुम भी आ जाओ, और कोई आएगा आ जाओ। देखो कैसी वाला पहाड़ी, अभी बादल निकल रहा है और अपने टाइम में बारिश हो रहा था, वेल डन। तो गाइस यहाँ से एक व्यू देख लीजिए, ये कांकेर का बस स्टैंड है और पीछे है कलेक्टर ऑफिस। सॉरी मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। उत्तम दा बहुत ही भाई, आपका कैसा था? गाइस टेक्निकल खराबी की वजह से प्लान चेंज हो गया, तो आप बताइए कहाँ का जाएंगे? हम जाएंगे भी मलाज कुलूम, वहाँ से जाएंगे चर्रे मरे, फिर जाएंगे घर गुरुकुंड। तो पहाड़ कौन जाएगा? पहाड़ पहले जाएंगे, पहाड़ भी चल देंगे, पहाड़ भी चलेंगे। और जैसा कि आप मौसम देख सकते हैं, देखो मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब होने की स्थिति में है। चलो चलो जल्दी चलो, एक बार मौसम यहाँ से बिजली था, कैमरा तो लगा के जाओ। अभी पहाड़ के ऊपर जाएंगे, अभी यहाँ से अपन ऊपर जा रहे हैं। जैसे कि अब मैंने बोला था प्लान चेंज हो गया है, सो अभी यहाँ जाएंगे, फिर मलाज कुड़ूम, फिर चर्रे मरे, फिर वहाँ से घर, क्योंकि वो अभी बहुत दूर पड़ जाएगा और मौसम भी बहुत बिगड़ गया है अभी। ओके हाँ ठीक है ना। तो गाइस उत्तम दा गाइड कर रहे थे कि ज़्यादा स्पीड में मत लेना और दूसरे या तीसरे गियर तक ही रखना। ये विश्वजीत दा फुल एक्साइटेड, देखिए गाइस व्यू, मेन चढ़ाई तो आई नहीं, अभी मेन चढ़ाई होगी। व्यू एक नंबर है गाइस, अपने को मेन चढ़ाई करना है, एंट्री करवाना है। तो गाइस अभी ये मेन चढ़ाई, एंड लुक एट दिस, लुक एट दिस व्यू गाइस। ओ भाई जस्ट लुक एट दिस, गाड़ी पार्क करके आए हैं दूसरी जगह, तो यहाँ से जाएंगे अभी। ये लव यू देखें, अपन यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये जो तालाब है ये कभी नहीं सूखता, चाहे जितनी भी कुछ भी हो जाए कभी नहीं सूखता। ये
ये पहाड़ के ऊपर है, ये छोटा सा शिव मंदिर है। कम से कम बोल कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा है उतना तो बताओ। यहाँ से 600 फीट करीब, 600 फीट ऊंचा है, फिर भी पानी नहीं, पानी नहीं सूखता है कभी भी, चाहे गर्मी हो या ठंडी। तंदा इसके बारे में डेफिनेशन क्या क्या है इसमें? पूरा मछली जो कि पाला जाता है, खाया नहीं जाता। इनका जन्म यहीं हुआ था, लेकिन इनका जन्म गलती से इन्हें पखंजू पहुंचना पड़ा। अरे भाई कभी नहीं सूखता इसका पानी। भाई कचरा कर दे पूरा। गाइस ये कांकेर गेट का मतलब कांकेर की पहाड़ी का पुराना वाला गेट। ये लोग इतना जल्दी नीचे चले गए, फिर चढ़ते चढ़ते हालत खराब हो जाएगा यहाँ से। देखो गाइस एक व्यू यहाँ का, और ये है गेट, ये पहले का गेट है। ये यहाँ भी एक सीढ़ी है, यहाँ पे सूर्जी दे लोग खड़े। देखो गाइस पहाड़ी। सो अभी चलते हैं, कहाँ जाएंगे अभी उत्तम दा? अभी जाएंगे मलाज कुलूम, नीचे से दिखाएंगे, ऊपर तो जाएंगे नहीं, उतना तो बचा नहीं है। फिर चर्रे मर्रे नहीं है भाई, हाँ फिर चर्रे मर्रे जाएंगे, चर्रे मर्रे उतर के दिखाएंगे, चर्रे मर्रे उतर के दिखाएंगे। चलो ठीक फिर। सो गाइस अभी उतर रहे हैं अपन, अपन किल स्विच ऑफ कर दिए हैं बाइक का, ताकि ज़्यादा ये ना हो, मतलब ज़्यादा स्पीड में ना गए बाइक। भाई कांकेर में भी एक से एक पहाड़ी है, हमें पता नहीं था। सो गाइस ये वाला व्यू देखो जस्ट, वो भाई लुक एट दिस गाइस, मोबाइल पॉकेट में दे रहा हूँ। विश्वजीत आगे नहीं,